दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे टेलमीकाइंड 40 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में कि इसका कंपोजिशन क्या है, ये ब्लड प्रेशर कैसे कम करता है, हमको इसे कैसे इस्तेमाल करना है, दिन में कितनी बार लेना है, क्या हम इस टैबलेट को बंद कर सकते हैं अपनी मर्जी से या हमें पूरी ज़िंदगी इस टैबलेट को लेना है, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बनी रहिएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टेलमीकाइंड ये एक ब्रांड का नाम है जो कि मैनकाइंड बनाती है, बेस्ट प्रोडक्ट है उसका। लेकिन जो भी आपको दवा मिले, जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें, वही आपको टैबलेट लेना है। इसमें जो मेन साल्ट है उसी का एक्शन होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें टेलमीसार्टन 40 मिलीग्राम है। टेलमीकाइंड एक नाम है, टेलमीसार्टन 40 मिलीग्राम इसमें दवा है। तो दोस्तों टेलमीसार्टन जो है वो ब्लड प्रेशर को कैसे कम करती है, तो इसी पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टेलमीसार्टन जो है, ब्लड प्रेशर की कई तरीके की दवाएं आती हैं। कुछ डायुरेटिक होती हैं, कुछ एंजियोटेंसिन रिटर ब्लॉकर होती हैं, कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, कुछ बीटा ब्लॉकर होती हैं। लेकिन ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करता है कि जो हमारे खून की नालियाँ होती हैं उनको फैला देता है। जब एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसका एक्शन बंद हो जाएगा, तो हमारी खून की नालियाँ फैल जाएंगी। जब खून की नालियाँ, आप ये समझ लीजिए किसी पाइप में आप पानी बहता हुआ देखिए, उसको अगर वो ठंड के मौसम में वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो पानी बहता है वो बहुत मुश्किल से जा पाता है। अगर गर्मी का मौसम होता है तो वो पाइप बिल्कुल नरम हो जाती है, जिसमें पानी आसानी से बह जाता है। वही हाल हमारी खून की नालियों का है, खून की आर्टरीज़ का है। अगर वो डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, नरम हो जाएंगी, तो जो खून का प्रेशर उसमें होगा वो कम हो जाएगा। यही काम ये दवा करती है। ये एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारी खून की नालियाँ फैल जाती हैं, नरम हो जाती हैं, मुलायम हो जाती है। उससे उसमें खून का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आप इसको सिंपली ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल आसान जबान में, आसान लैंग्वेज में, क्योंकि हमारी वीडियोज़ बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको मेडिकल नॉलेज नहीं होता है, उनको समझाने के लिए हमें ये बात बतानी पड़ी। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है, आपने बगैर डॉक्टर के सलाह के दवा ले ली, तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाए, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ हल्का फुल्का और साइड इफेक्ट हो सकता है। बाकी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा लेने से पहले आपको ये ख्याल होना चाहिए कि डॉक्टर के सलाह के बाद आपको इस दवा का शुरू करना है। डॉक्टर 2-3, 4 दिन, 5 दिन तक आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा। उसके बाद जब उसको लगेगा कि हाँ आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको हाइपरटेंशन है, तो आपको ये दवा शुरू की जाती है। नहीं तो अगर किसी को एक दिन बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको दवा नहीं शुरू की जाती, क्योंकि कभी कभी टेम्परेरी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घबराहट की वजह से, कोई टेंशन की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप इस दवा को बंद कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर ब्लड प्रेशर की एक बार दवा शुरू कर दी तो आपको आमतौर से लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी दवा खानी पड़ती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसलिए आप इसको खाते रहें। डॉक्टर की सलाह के बाद आपको शुरू करना है, डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको ब्लड प्रेशर की दवा को बंद करना है। ये चीज़ आपके जहन में रहे, आपके ख्याल में रहे, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा एक बार जब शुरू हो जाती है तो वो चलती रहती है। इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट ब्लड प्रेशर का है। आपकी किडनी फेल हो सकती है, दिमाग फेल हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बहुत खून की आर्टरीज कहीं फट सकती हैं, नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, चक्कर हो आ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस दवा से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए आप दवा खाते रहें। इसके खाने का सही तरीका यह है कि आमतौर से सुबह में 8 बजे 7 बजे 8 बजे तक इस दवा को लिया जाता है, और पूरे दिन में एक ही बार आमतौर से इस दवा को लिया जाता है। लेकिन किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कभी कभी 2 बार भी दे देते हैं। ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि कितनी बार आपको दवा दे रहा है। इसलिए किसी भी दवा के सेवन से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप दवा शुरू करें, और दवा बंद करने से पहले भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद दवा को बंद करें। दोस्तों ये जानकारी टेलमीकाइंड 40 के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।